करना ही चाहेंगे। यस, उतार लिया होगा। शिक्षक साथी अवेलेबल हैं, वो जरूर हमसे कांटेक्ट रखें, जिससे हम उनके स्कूल्स की जानकारी, कितना फायदा मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है, वो हम ले सके उनसे। जरूर जुड़िएगा, वो मोस्ट वेलकम। यस, 13वां और 14वां सवाल दोनों एक साथ चला रहे हैं हम, समझने के हिसाब से। तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं सात से विभाज्य है? आपको मालूम है तीन अंक कहां से चालू होते हैं? 100 से 999 तक, 999। तो तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं सात से विभाज्य है? सात से विभाज्य है तो सात से 13 97 91, 14 97 98 और 15 97 105। तो जो सिलसिला चालू हुआ वो सात के पहाड़े में, ये गुणज का मतलब है पहाड़ा, 105 तीन अंक पहला 105 पे मिला हमारे को, फिर 112 119 लाइक दैट। और ऐसे ही हम पीछे पीछे गए 994, वो अंतिम तीन अंक वाला मिला। कुछ बच्चों का कहना है सर ये कैसे आया, सर हमें क्या पता अंतिम अंक ही है। तो बच्चों सुनो, तीन ये रफ में बता रहा हूं मैं आपको, रफ फर्क, ये इसको थोड़ी देर के लिए रफ फर्क मान लो। ये 999 सबसे बड़ी संख्या होगी तीन अंकों की, इसमें सात का भाग देंगे ना बच्चों, सात का भाग तो शेषफल है ना, शेषफल यहां ये आएगा 5, यानी कि 5 इसमें ज्यादा जा रहा है तो वो 5 इसमें से घटा लेना तो 994 आ जाएगा, 994। ठीक है, तो ये तीन अंक वाली सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब हमारे को n ज्ञात करना है तो वो कर लोगे आप आराम से। a का मान 105, d 7, 7 का पहाड़ा था इसलिए, और n वही तो ज्ञात करना है, और a n अंतिम पद 994, सूत्र वही है, तेजी से समझा रहे हम, सूत्र नहीं लिख रहे। 994 इज इक्वल टू वही रामकली सुब्बाराव वाले जैसे का सवाल ही है ये, प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d7, इसमें से माइनस 994 माइनस 105, तब तक n माइनस 1 इंटू 7 ने इंतजार किया। यस, कितना आया? पहले 100 घटा, 894, 5 और घट गए, 8 8 9 8 8 9 अपॉन 7,